हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुदीप और आप देख रहे हैं द असली झमट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे एक व्हाट्सएप बॉट जो कि नोट जेएस के ऊपर बनेगा और हम लोग लैंग्वेज यूज़ करेंगे टाइप स्क्रिप्ट। तो गाइस, अभी हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन में चले जाते हैं। यहाँ पे इस वीडियो के दो पार्ट होंगे। एक होंगे आप लोगों को FFmpeg फाइल डाउनलोड करनी है और दूसरा पार्ट होगा जो आप लोगों को यहाँ पर मैं कोड को एक्सप्लेन करूँगा कैसे, ठीक है। तो गाइस, अगर आप लोगों को ये कोड चाहिए तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा GitHub रिपोजिटरी का लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहां से इस कोड को पा सकते हैं, ठीक है। तो गाइस, चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में चले जाते हैं। तो गाइस, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इस रिपोजिटरी का लिंक मिल गया होगा। तो यहाँ पर आके आप लोगों को FFmpeg के लिए एक लिंक मिलेगा। तो आप लोग इस लिंक को ओपन कर लीजिए और यहाँ से आप लोग FFmpeg डाउनलोड कर लीजिए, ओके। तो आप लोग यहाँ पे कोई भी वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, ये आप लोगों के ऊपर है। तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसको इंस्टॉल कर लीजिए, ओके। हेलो गाइस, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले हम लोगों ने जो मॉड्यूल्स इंस्टॉल किए थे उन लोगों को पहले हम लोगों ने इम्पोर्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पे हम लोग टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। तो आप लोग अगर टाइप स्क्रिप्ट के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो आप लोग जावास्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो एल्गोरिदम है बॉट को बनाने के लिए, कि जो डेटा हम लोगों को कोई यूज़र भेजेगा, जो टाइटल भेजेगा, हम लोग उसको यूट्यूब में सर्च करेंगे, यूट्यूब से उसको इंस्टॉल करेंगे और फिर यूट्यूब से उसको डाउनलोड करेंगे, फिर हम लोग यूज़र के पास वापस सेंड कर देंगे। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे सारे मॉड्यूल्स को इंस्टॉल, यहाँ पे हम लोगों ने मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर लिया है। अब हम लोग एक इंटरफेस बनाएंगे डाउनलोड स्टेटस का। तो ये सब करने में हम लोगों को टाइपस्क्रिप्ट में बहुत इजी होता है, जावास्क्रिप्ट में ये सब कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आप लोगों को अपने से कॉन्सेप्ट बनाने पड़ेंगे। टाइपस्क्रिप्ट में ये इजी होते हैं, इंटरफेस क्लासेस बहुत रहते हैं और टाइप को भी हम लोग फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक इंटरफेस बना लिया जिसमें एक रहेगा शो प्रोग्रेस ट्रू या फॉल्स। अगर हम लोग शो प्रोग्रेस को फॉल्स से इनिशियलाइज करते हैं डाउनलोड स्टेटस को बनाते वक्त, डाउनलोड स्टेटस के ऑब्जेक्ट को बनाते वक्त, अगर शो प्रोग्रेस को फॉल्स से इनिशियलाइज करते हैं तो जब यूज़र डेटा भेजेगा तब हम लोग उसको डाउनलोडिंग का जो प्रोग्रेस है वो दिखाएंगे नहीं, और अगर ये ट्रू होता है तो हम लोग डाउनलोडिंग का प्रोग्रेस दिखाएंगे। और यहाँ पे देखिए जो लैंग्वेज है, तो मैंने यहाँ पे एक language.ts बनाया है, तो उसमें एक ही लैंग्वेज है अभी इंग्लिश। अगर आप लोग चाहे तो सिमिलर वेरिएबल्स देके नए लैंग्वेज भी बना सकते हैं। उसके बाद आते हैं जो क्लाइंट है, ये हम लोगों का व्हाट्सएप वेब का क्लाइंट होगा। लाइक हम लोग अपने टर्मिनल पे व्हाट्सएप वेब को होस्ट करेंगे। तो ये जो क्लाइंट है व्हाट्सएप वेब का क्लाइंट होगा जिसको मैंने व्हाट्सएप वेब से इम्पोर्ट कर लिया है। इसके बाद आप लोगों को डाउनलोड स्टेटस का ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें मैंने शो प्रोग्रेस को ट्रू रखा है, ठीक है। उसके बाद डाउनलोडेड म्यूजिक, इसको मैं इनिशियलाइज करूँगा कि मतलब एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है जो कि इनिशियली ब्लैंक है, ठीक है। और फिर डाउनलोड पाथ जो होगा वो हम लोगों का ये डाउनलोड फोल्डर होगा। तो इसमें बहुत सारे गाने पहले से डाउनलोडेड हैं क्योंकि मैंने इस बॉट को पहले भी रन करवाया है। अगर आप लोग शुरू में करते हैं तो इस डाउनलोड के अंदर ब्लैंक रख सकते हैं, इसको ब्लैंक बस एक डाउनलोड फोल्डर बना के आप लोग इसको ब्लैंक रखेंगे। और इसमें पाथ जो है, ये है पाथ हम लोगों का। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको FFmpeg का पाथ सेटअप पाथ को आप लोगों को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अगर जैसे मैंने पहले सेटअप दिखा चुका हूँ मैं पहले ही कि FFmpeg को कैसे सेटअप करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। तो अगर आप लिनक्स पे है तो लिनक्स का पाथ दीजिए, अगर आप विंडोज पे है तो विंडोज का पाथ दीजिए, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे पाथ को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद एक डाउनलोडर के लिए एक हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे डाउनलोडर का। तो आप लोग देख सकते हैं कि
ये जो डाउनलोडर है ये एक्चुअली वाइट डीएल प्लेलिस्ट का एक क्लास है, ठीक है। तो आप लोग उस हम लोग उस लाइब्रेरी को यूज़ कर रहे हैं, आप लोगों को उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया है। उसके बाद जब क्लाइंट जब चालू होगा, ठीक है, जब क्लाइंट को जब इनिशियलाइज करेंगे तब एक क्यूआर कोड जनरेट होगा जो कि व्हाट्सएप वेब का क्यूआर कोड होगा, और उसको हम लोग टर्मिनल पे जनरेट करेंगे। तो उसके लिए मैंने क्यूआर कोड जनरेटर भी मैंने इंस्टॉल इंपोर्ट कर लिया है, इंस्टॉल कर लिया, इंपोर्ट भी कर लिया है, ठीक है। और अगर यहाँ पे जब ये रेडी हो गया, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो यहाँ पे जो आइटम्स है इन सारे आइटम्स को हम लोग पुश कर देंगे उस स्ट्रिंग के अंदर, ताकि मतलब जो डाउनलोडेड फाइल्स हैं उन लोगों को दोबारा डाउनलोड करने की ज़रूरत ना हो। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि जब हम लोगों को मिलेगा, ठीक है, जब हम लोगों को मैसेज मिलता है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे पहले इसको सर्च करते हैं, उसके बाद हम लोग उसको भेज देते हैं, YouTube में सर्च करते हैं। उस YouTube में सर्च करने के बाद हम लोग यहाँ पे स्टोर करते हैं, डाउनलोड्स पे स्टोर करते हैं, एरे में स्टोर करते हैं, फिर हम लोग इसको रिप्लाई करते हैं, उस रिप्लाई को मीडियम मतलब जो मैसेज था, ठीक है, उसको हम लोग रिप्लाई करते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर लाइक 15 मिनट से ज़्यादा बड़ा वीडियो होगा, ऑडियो होगा, तो हम लोग बोल देंगे कि हम लोग नहीं डाउनलोड करेंगे इसको। कि आप लोग यहाँ पे language.ts में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो डाउनलोड स्टेटस, अगर डाउनलोडिंग है, ठीक है, ठीक है, अगर मतलब डाउनलोडिंग डाउनलोड स्टेटस डॉट डाउनलोडिंग, ठीक है, ये अगर ट्रू है तो हम लोग एक मैसेज भेजेंगे कि डाउनलोड स्टार्टेड, और ये हम लोगों का ये टाइम लेगा, ओके। और यहाँ पे जो है यहाँ पे हम लोग प्रोग्रेस दिखाएंगे। तो अभी अगर आप लोगों को प्रोग्रेस दिखाने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग प्रोग्रेस दिखाने वाली चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं और प्रोग्रेस इसको कमेंट आउट कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को प्रोग्रेस अभी दिखाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद आप लोग देखिए कि यहाँ पे जो डाउनलोड हो गया है, ठीक है, मतलब हम लोग म्यूज़िक को ढूंढ लिए, म्यूज़िक को डाउनलोड कर लिए, और लाइक यहाँ पे हम लोग म्यूज़िक को ढूंढ रहे थे, यहाँ पे डाउनलोड नहीं किए हैं, यहाँ पे डाउनलोड कर लिए हैं म्यूज़िक को। उसके बाद हम लोग फाइनली यहाँ पे जब हम लोगों का सारे फंक्शन सेटअप हो चुके हैं तब हम लोग क्लाइंट डॉट इनिशियलाइज किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस बॉट को रन करेंगे, तो रन करने के लिए npm start थोड़ा टाइम लगेगा इसको जनरेट करने में। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे QR कोड आ चुका है, तो मैं अभी अपने मोबाइल में इसको स्कैन कर लूँगा। और अगर आप लोगों को दिखाना है ही, ठीक है, अभी आप लोगों को मैं दिखा दूँगा कि कैसे मेरे मोबाइल, तो यहाँ पे कनेक्टेड हो गया, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि मेरे मोबाइल से मोबाइल स्क्रीन में ये व्यू कैसा है। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं अपने यहाँ पे कोई अपना प्ले कमेंट देके फिर मैं यहाँ पे कोई गाने का नाम लिखूँगा। तो जैसे मैं यहाँ पे अभी लिखता हूँ सेप ऑफ यू, उसके बाद मैं सेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पे सेप ऑफ यू पहले से ही इंस्टॉल्ड था, डाउनलोडेड था, तो इसीलिए इसने डायरेक्ट भेज दिया। और अभी मैं यहाँ पे अगर कोई ऐसा गाना देने की कोशिश करूँ जो इंस्टॉल्ड नहीं है, तो प्रोबेबली कोई बंगाली गाना अगर मैं देता हूँ तो वो इंस्टॉल्ड नहीं होगा, ताकि मतलब मेरे फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा लोग बंगाली गाना सुनते नहीं हैं।
मैं कोई एक और सॉन्ग देता हूँ। ओके तो डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। डाउनलोड स्टेटस भी शो करना शुरू कर दिया जैसे आप लोग देख सकते हैं। तो जैसे मेरे सर्वर में थोड़ा इंटरनेट अभी स्लो चल रहा है, फिर थोड़ा टाइम लग रहा है वो मैसेज जाने आने में। ये 3 बार 100% हो गया क्योंकि मतलब 100% का करीब था, उसके बाद शायद स्लो हो गया था इंटरनेट इसीलिए। उसके बाद अभी वो लोग जो गाना है वो रिप्लाई कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये काम कर रहा है। तो गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप लोगों को मेरा गिटहब प्रोफाइल पसंद आया तो गिटहब को फॉलो कर दीजिए और गिटहब रिपोजिटरी को एक स्टार कर दीजिए।